मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी हानि दे सकते हैं। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद की इज्जत नहीं है वो दूसरे को क्या इज्जत देंगे। काबिल और समझदार लोग ना किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। बस कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोच सोच कर चुप रह जाते हैं। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर सुख और शांति के साथ रहना है तो दूसरों की शिकायत करने की बजाय हम खुद को बदल लें। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम अपने पैरों पर जूते पहन लें। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस प्रकार समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। जैसे कोई दूसरे की थाली से छीनकर खाने में भी अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। ये सारा खेल संस्कार, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जहर क्या है। कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, वो हर चीज जो आवश्यकता से अधिक होती है वह मनुष्य के लिए जहर है। चाहे वह ताकत हो, धन हो, लालच हो, अहंकार हो, प्रेम हो या घृणा हो, ये सब जरूरत से ज्यादा होने पर जहर बन जाते हैं। कौवा कभी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी वह किसी का प्रिय नहीं होता। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वह सबकी प्रिय होती है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है जो सबको अपना बना देती है। दोस्तों, मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आता है। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर ज्यादा घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। और ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, यकीनन लोग आपको भूल जाएंगे। जिंदगी भर इंसान इस गलत फहमी में रहता है कि वह लोगों के लिए खास है, बल्कि जिंदगी का असली सच तो यह है कि किसी के होने या ना होने से आजकल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग केवल अपनी जरूरत के हिसाब से आपको याद करते हैं। इसीलिए लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और अपने रब पर, वो सब कुछ देता है सही वक्त आने पे। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। वक्त के साथ चलता चल, तू उसे बदलने की कोशिश ना कर। खुलकर सांस ले, घुट घुट कर जीने की गलती ना कर। कुछ बातें रब पर भी छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। जिंदगी में अगर सफल होना है और खुश रहना है तो इन 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये 4 बातें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि वो आज भी आपसे नीचे ही है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, ज्ञान समझ से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपको समझते हैं। किसी बड़े इंसान के पैरों में गिरकर खुद को बड़ा समझने से अच्छा है कि अपनी मेहनत से छोटी सफलता हासिल करो, क्योंकि बड़े लोगों से वही लोग दबते हैं जिनमें खुद के दम पर बड़ा बनने की काबिलियत नहीं होती। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो लोग दूसरों की बातों को दिल से लगाते हैं वो जिंदगी भर रोते रह जाते हैं। इसलिए अपनी खुशी का कारण आप खुद बनिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको